दिल्ली एनसीआर में लगातार धुंध छाई हुई है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हवा की गुणवत्ता में जरा भी सुधार नहीं हो रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 20 नवंबर के आसपास क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भारत में इस तरह से कृत्रिम बारिश हो रही है। देश में ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं। कृत्रिम बारिश भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक भारत में सबसे पहले कृत्रिम बारिश की कोशिश 1951 में टाटा फर्म द्वारा पश्चिमी घाट पर जमीन आधारित सिल्वर आयोडाइड जनरेटर का इस्तेमाल करके किया गया था। इसके बाद भारत में कर्नाटक 2003, 2004, 2019, आंध्र प्रदेश 2008, महाराष्ट्र 2004, तमिलनाडु 1983, 1993 और 1994 कृत्रिम बारिश का प्रयास किया जा चुका है। हालांकि इन राज्यों में सूखे से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराई गई थी। पिछले साल तक IMD के पास सीडिंग के लगभग 30 सफल घटनाओं का रिकॉर्ड है। आइए जानते हैं क्या है क्लाउड सीडिंग। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग एक प्रकार से मौसम में बदलाव का वैज्ञानिक तरीका है। इसके तहत आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाई जाती है। इसके लिए विमानों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है और उनसे सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़े जाते हैं। इससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती है और यही पानी की बूंदें फिर बारिश बनकर के जमीन पर गिरती हैं। हालांकि ये तभी संभव होता है जब वायुमंडल में पहले से पर्याप्त मात्रा में बादल मौजूद हों और हवा में नमी हो। कृत्रिम बारिश के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।